आपसे पहले मैंने बताया है उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जब शिव जी की बात करनी है तो उसका प्रारंभ उत्पत्ति से ही होता है, इतने वो आदि है। यानी परमेश्वर का जब पहला स्वरूप प्रकटित होता है यानी मैनिफेस्ट होता है, जबकि वो ब्रह्म से प्रकाशित होते हैं, उस वक्त उन्हें सदाशिव कहा जाता है। इसीलिए शिवजी जो हैं इनको आदि माना जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी वृक्ष को पूर्णतया प्रकटित होने से पहले उसका बीज देखा जाता है, और इसीलिए उसको बीज स्वरूप कहना चाहिए। इसीलिए शिव जी की अत्यंत महिमा है। उसके बाद उनके प्रकटीकरण के बाद उन्हीं के अंदर से शक्ति अपना स्वरूप धारण करके आदि शक्ति के नाम से जाने जाते। वही आदि शक्ति परमात्मा के तीनों रूपों को अलग अलग प्रकाशित करती है, जिसको आप जानते हैं, जिनका नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश माने शिव शंकर है। यानी एक ही हीरे के तीन पहलू आदि शक्ति। और जब प्रलय काल में सारी सृजन की हुई सृष्टि, सारा मैनिफेस्टेड संसार विसर्जित होता है, उसी ब्रह्म में अवतरित होता है, तब भी सदाशिव बने ही रहते हैं। और उनका संबंध परमात्मा के उस अंग से हमेशा ही बना रहता है जो कभी भी प्रकटीकरण नहीं होता है, जो कि एक नॉन बीइंग है। परमात्मा की जो शक्तियां प्रकट होती हैं वो बीइंग से होती हैं, और जो नहीं होती है वो नॉन बीइंग की हमेशा बनी ही रहती है। उसमें सदाशिव का स्थान वैसा ही है जैसे एक हीरा टूट जाए, बिखर जाए, कितना भी मिट जाए, उसे कणकण भी हो जाए, तो भी वो चमकता ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होती उसकी चमक। उसी प्रकार सदाशिव का स्थान है। सदाशिव से स्थिति बनती है और संसार के सृजन में जब तक स्थिति नहीं बनेगी तब तक कोई भी सृजन नहीं हो सकता। पहले स्थिति बनाई जाती है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व लाना पड़ता है। किसी भी चीज का अस्तित्व सदाशिव के ही शक्ति से होता है। इस कारण सृजन में उनका वही हाथ होता है जैसे किसी बड़ी भारी हवेली में या भवन में उसके नींव का होता है, उसके फाउंडेशन का। वो दिखाई नहीं देती, जो नींव होती वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बगैर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रहती। उसी तरह सदाशिव हमारे अंदर भी हृदय में निवास करते हुए आत्मा स्वरूप होते हैं। जब तक वे अपने हृदय में आत्मा स्वरूप
स्थित होते हैं तभी तक हमारा इस संसार में जीवन चलता है। जिस दिन वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं उसी दिन हम लोग खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया से हम निकल जाते हैं और हमारी स्थिति परलोक में हो जाती है। शिव जी, आप जानते हैं कि हमारे सूर्य नाड़ी पर वास करते हैं, चंद्र नाड़ी पर वास करते हैं और चंद्र नाड़ी पर बैठे हुए वे स्थिति का सारा कार्य अपने अंदर करते ही हैं। लेकिन हमारा जो प्राण है उसकी भी स्थिति वो बनाए रखते हैं। शिवजी के बगैर हमारे प्राण नहीं चल सकते। अब ये काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, वो मेरी किताब में मैंने काफी खोल करके कही हुई। शिवजी का स्वरूप, वे एक परम सन्यासी, जैसे कि परमात्मा का एक स्वरूप है कि वो अंदर से सन्यास्त, वो किसी वजह से ये रचना नहीं करते, उनको कोई कारण नहीं है, वे अपने करते हैं, उनकी विम है, उनका मजा है, वो अगर चाहे तो रचना करते हैं नहीं तो उसे तोड़ देते। एक सन्यास्त आदमी संसार में जो बहुत से विराजते हैं वे उनके प्रतीक हैं। मेरे सन्यास से अर्थ जो दुनिया में माना जाता है उसे नहीं, आप सब जानते हैं। सन्यास उसे कहना चाहिए जो आदमी सेल्फ रियलाइज्ड होकर के उस दशा में पहुंच गया जहां वो साक्षी, अंदर से वो सन्यास होता है, बाहर से सारे संसार में रहते हुए भी वो महान सन्यासी होता है। उसने कुछ किसी से बताना नहीं पड़ता कि मैं सन्यासी हूं, मैंने सन्यास ले लिया है। लेकिन जो अंदर से मन हमारे अंदर सन्यास ले लेता है, जो अंदर से सन्यास हो जाता है, वो स्वरूप श्री शिव का है। और जो संसार में हम विराजते हैं और संसार के जो कार्य करते हैं और संसार में जितने भी हम भोगते हैं, वो भोक्ता स्वरूप परमात्मा का जो है वो उनका श्री विष्णु का स्वरूप। इसलिए विष्णु के स्वरूप में वो भोक्ता है, शिवजी के स्वरूप में वो सन्यास और ब्रह्मा के स्वरूप में वो सृजन करने वाले, सृजन कार्य करने वाले करता है। इस सन्यासी के और दृष्टि करने से एक अजीब सी चीज दिखाई देती है कि नील वर्ण का इनका शरीर, क्योंकि ये चंद्रमा के लाइन पर बैठे हुए हैं, उनके गले में, हाथ में सर्प लपटे हुए हैं, इनका सारा ही अलंकार सर्पों से हो जाता है। सर्प शीतल होते हैं, शांत होते हैं, दाहकता को पीते हैं और वो अपने ऊपर सर्प को पाले हुए हैं, माने संसार का जितना भी दुष्ट, जितना भी विपरीत, जितना भी डंक, जितनी भी जबरदस्त चीजें संसार को नष्ट करने वाली हैं, सबको अपने शरीर में समाये हैं। दुनिया भर का गरल वो पिए हुए अपने, आप जानते हैं कि उन्होंने गरल को शुरू में ही सारा पी लिया और जो कुछ भी गरल संसार का होता है वो अपने अंदर पीकर संसार को ठंडा रखते, संसार को सुख देते। जो कुछ भी मर जाती है चीज, खत्म हो जाती है, वो सारी ही उनके राज्य में जाकर बसती है। और जो बेकार के लोग होते हैं, जो महादुष्ट होते हैं, उनके कारागार भी उन्हीं के चरण धूली से बंद हो जाते हैं। वे लोग बंदिश होते हैं शिवजी की कृपा, उनके सर पे चंद्रमा का राज्य है। चंद्रमा स्वतः लक्ष्मी के भाई है और इसीलिए
कहा जाता है कि अपने साले को उन्होंने अपने सर पे रख लिया है। बहुत ही उनका अजीब सा वर्णन कवियों ने किया हुआ है और बहुत सुंदर उनके सर पे गंगा का बोझा उन्होंने उठाया हुआ है, माने वो सबका गर्व हरण करने वाले। गंगा जैसी गर्भवती को भी उन्होंने अपने जटा में बांध लिया, इतनी उनकी जटाएं जबरदस्त है। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।